सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ। क्या कर रहे हैं? कोई है यहाँ? एक मिनट, मुझे कोई महसूस हुआ। आप कौन हैं? जी मैं कोई भी हूँ, आप कौन? मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मुझे कोई माशरे में इज्जत नहीं देता क्योंकि मैं अंधा हूँ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात है ना, आपने अभी मुझे, मैंने आपसे पूछा कोई है, आपने बताया ही नहीं मुझे। आप अचानक से आके बैठे ना, सारे मैं बिजी थी और एकदम से। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, जरा जोर से बोलेंगे क्या? बोल, आपकी स्टिक जरा मेरे पैरों में आके लगी तो। अच्छा, मैं असल में मैं चेक कर रहा था कि कोई है या नहीं है। अच्छा, तो मुझे महसूस हुआ। नहीं सकते? नहीं, मैं देख सकता था। अच्छा, मैं देख सकता था, लेकिन अच्छा। मुझे एक लड़की ने छोड़ दिया। अच्छा, मैं उसकी याद में रोता रहा और इस हद तक मैं रोया कि एंड में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। आपको पता है पड़ोसी के घर में स्विमिंग पूल है, वो मेरे आंसू से भरी है। जी हाँ जी, पानी नहीं था उसके पास। कोई किसी की मोहब्बत पे इतना तो नहीं रोता? मैं कुत्ते की तरह रोया हूँ। कुत्ता तो नहीं रोता? मतलब जैसे कुत्ता नहीं शोर करता, वैसे रोया हूँ मैं रात रात भर पड़ोसियों के घर पे। कुत्ता रोता? मेरे घर वालों ने मुझे, वो क्या करता है कुत्ता? तो भौंकता है। नहीं, कुत्ते की हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मेरी आवाज़ वैसी हो जाती थी रोते हुए। मेरे घर वालों ने भी मुझको बाहर निकाल दिया, पड़ोसी के घर पर रोता रहा मैं। उसके मैंने स्विमिंग पूल भरा तो उसने मुझे बाहर सोने के लिए एक बिस्तर दे दिया। अभी मैं उसके गेट के बाहर सोता हूँ रात को। एक लड़की की मोहब्बत में? जी। तो जब उसने आपको छोड़ दिया तो फिर आपको इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? आप ही भूल जाते हैं। तो मैं क्या करता, आप मुझे बताएं। आप ही मुझे बताएं मैं क्या करता। आप किस तरफ हैं पहले तो मुझे ये बताएं। मैं इस तरफ हूँ। मेरे लेफ्ट पे या राइट पे? जी मैं आपके लेफ्ट पर। लेफ्ट पर है जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं क्या करता, उस लड़की से प्यार ही इतना था, मैं क्या कर सकता था रोने के अलावा? ठीक है, देखें दुनिया में इंसान प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि आपने अपनी आंखें अंधी कर ली और स्विमिंग पूल बहा दी है। ऐसा आपको तो, मुझे पता है आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूँ। नहीं, मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। आप मेरे लिए एक काम करेंगे? अंधेपन का मजाक उड़ा रही हूँ, लेकिन मेरी बात सुने। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर दुनिया ख़त्म हो गई। जी नहीं, दुनिया ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मैं मुझे असल ब्रेकअप्स होते हैं, रिलेशंस बनते हैं। नहीं, मेरा वैसा वाला रिलेशन नहीं था, मेरा वो निब्बा निब्बी वाला नहीं था, बाबू शोना वाला नहीं था, मेरा सच्चा प्यार था। आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरे लिए कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक काम कर लेंगी मेरे लिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस लड़की को एक बार एक मैसेज करूँ तो शायद ये दोबारा मेरी ज़िंदगी में आ जाए। जिसकी मोहब्बत में आप अंधे हो गए जी, उसने आपको छोड़ दिया जी। अगर उसने आना होता तो वो आपको छोड़ती क्यों? नहीं, उसने मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरी उम्मीद है। जिसने नहीं आना होता वही तो आपको छोड़ के जाता है ना। लेकिन जिसने आपके साथ रहना होता है वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाता। आपने कभी सुना है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है? बिल्कुल, बेशक उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए नहीं। एक मैसेज प्लीज, बस मुझे उसको वो याद दिलाना है, मुझे उसको बातें बतानी है कि हमारे बीच क्या क्या हुआ था। हो सकता है वो भी मुझे मिस करने लगे जैसे मैं करता हूँ। आपको पता है मैं 100, मैं आज से एक हफ्ता पहले 108 किलो का था, अभी मैं 65 किलो पे आया हूँ। चले ये तो अच्छा ही हो गया ना, वेट बहुत ज़्यादा जो होता है। नहीं वो भी तो और कम करना है, लेकिन ये प्यार में हुआ, अभी मुझे नज़र तो नहीं आता, प्लीज़ ये ज़रा ये मेरे लिए जो है वो कर दें। मैं आपको जो जो कहूँगा ना आपने वो लिखना है। सबसे पहले तो आपने लिखना है डियर कोमल, कोमल नाम था उसका। अच्छा, हाँ जी ठीक है। और वो कोमल सिर्फ उसका नाम नहीं था, उसका बदन भी निहायत ही कोमल था जी। उसका जो बदन था वो भी बहुत कोमल था। हाय, इतनी चीप बात याद क्यों कर रहे हैं मुझसे? मैंने मेरी बात सुनी, चीप बात, गर्लफ्रेंड थी, चीप बात कब की मैंने? ठीक है, उसका आपके साथ रिलेशन था, लेकिन आप इस तरह डिस्कस तो ना करें ना सबके साथ। मैंने आपसे एक बात कही। नहीं आप मैडम, आप देखें इस तरह मेरे पे गलत इल्जाम ना लगाएं। मैंने सिर्फ एक बात, आप ये मुझे लग जाए कि आप स्टिक की तरह आराम से देखें। मैं ठीक है, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, आप ब्लाइंड हैं, आपके साथ। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आप इस बात पे चिढ़ जाएंगी। नहीं लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए ना, मैं आपकी हेल्प भी कर रही हूँ, आप बगैर पूछे यहाँ कर बैठ गए। सॉरी, ब्लाइंड थे, चले ठीक है, आप लिख लें। हाँ जी, आप लेकिन आप इस डियर कोमल। जी डियर कोमल, तुमने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया? क्या तुम्हें याद नहीं आज से 1.5 साल पहले हम लोग सत्तार के घर पर मिले थे?
हाँ मैं यकीन करिए ये सब बातें सोच रहा हूँ ना, ये जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है इसमें बहुत दर्द है। सत्तार के घर पे हम मिले थे, हमने भीगे होंठ गाने पे डांस किया था। भीगे होंठ तेरे क्या लिखवा रहे हैं, प्यासा दिल मेरा क्या लिखवा रहे हैं आप, लिखे ना प्लीज, मेरी फीलिंग को ना रोकें बीच में, वो बातें मुझे एक एक याद आती है। घटियापन ये नहीं, अगर कोमल को ये बातें याद आएंगी तो क्या पता उसकी मोहब्बत मेरे लिए दोबारा जाग जाए। क्या होता नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। उससे क्यों डिस्कस करें, क्योंकि मैं अंधा हूँ, मैं नहीं लिख सकता। अगर प्लीज मेरे लिए लिख ले प्लीज प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आप प्लीज हाथ ना जोड़े, मैं हेल्प कर रही हूँ आप। हाँ जी प्लीज रिलैक्स। भीगे होंठ तक लिखी जी जी बोले, मतलब भीगे होंठ गाने पे हमने डांस किया जी, लेकिन तुमने कहा कि भीगे होंठ पे अच्छा डांस नहीं होता, कोई ऐसा गाना लगाओ जिसका म्यूजिक अच्छा हो। फिर हमने छैया छैया पे डांस किया, चल छैया 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 छैया, उस पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया तो मेरे पे हंस रही थी। हाँ ना ये लिखना है ना, ये लिखना है, मैसेज लिखवा रहे हैं, पूरा ऐसे लिखवा रहे हैं, ये जिंदगी के ऊपर आप अपनी किताब लिखवा रहे हैं। देखिए कोमल को एक एक बात याद दिलाऊंगा तभी तो हमारा प्यार होगा, तो यहाँ पूरी सदी गुजर जाएगी। चले मैं शॉर्ट पे आऊँ, शॉर्ट पे आऊँ, चले मैं शॉर्ट पे आता हूँ। आप उसको लिखें, क्या तुम्हें याद नहीं जब हम दोनों ने एक दूसरे की बाहों में बाहें डाली और एक दूसरे को हमने कस के पकड़ा। ये कोई लिखने की बातें होती है, ये तो उसको पता होगा ना कि आपने क्या किया और उसने क्या किया। मैडम जी याद दिलाऊंगा तो ही तो उसकी मोहब्बत जागेगी ना दोबारा। अच्छा चले आप बोले, बाहों में बाहें डाली जी, उसके बाद आप थोड़ी सी शर्माई। ये कोमल को कहना है, आपने कोमल को कहना है, आप नहीं शर्माए, आप कोमल को बोले। मैं उसी को लिखूं? हाँ कोमल, मैं क्यों शर्माऊंगी, नहीं वैसी एक बात कह रहा हूँ जी। उसके बाद जी तुमने कहा ऐसे नहीं, पहले लाइट बंद करो। फिर मैंने लाइट बंद की। आप क्या लिखवा रहे हैं, लाइट बंद की मैंने, और उसके बाद जो हुआ मैं आपको बता नहीं सकूंगा, लेकिन उसको याद होगा तो आप कहना कि लाइट बंद होने के बाद जो हुआ क्या वो प्यार तुम्हें अब याद नहीं आता। मकसद की बात पे आ गया ना, देखें लाइट बंद होने के बाद जो उसके बाद प्यार की आपको याद नहीं है वो क्या क्या हुआ था? उसको भी तो पता होगा ना कि पता होगा, लेकिन तो उसने क्यों छोड़ दिया मुझे? तो आप मुझसे क्यों लिखवा रहे हैं सब चीज़ें? लाइट बंद होने के बाद क्या उसको अच्छा नहीं लगा था जो उसने मुझे बाद में छोड़ दिया? ये भी लिखूं? नहीं ये ना लिखें, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो उसको पता होगा या आपको पता होगा, लाइट बंद होने के बाद जो हुआ क्या तुम्हें वो बातें याद नहीं आती, क्या वो पल तुम्हें याद नहीं आते? ये पूछो उसको। मैं क्यों पूछूं? नहीं उसको आप नहीं पूछो, आप मैसेज में लिखो, मैं कैसे समझाऊं आपको, मुझे रोना आ रहा है। मेरी कोमल प्लीज डोंट प्लीज आप मत रोएं प्लीज, मुझे आपसे एक बात छोड़ दे, मैसेज ना भेजे इसको, खुद खुद घर जरूरत है, मेरे से नहीं करेगी वो, नहीं करे मैसेज उसको, नहीं करे। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा फील हुआ, मैं थोड़ा हल्का फील कर रहा हूँ। इतने दिन से मेरे दिल पे एक बोझ था, आपसे बात करके लग रहा है कि वो बोझ जो है वो हल्का हो चुका है। नहीं लेकिन एक एक, एक चीज़ लिखें इस मोबाइल में, आप अपना नंबर लिख लें, आप अपना नंबर लिख लें, कभी बहुत बहुत दुख हो तो आपसे बात कर लिया करूँगा। हो सकता है आपसे बात करने के बाद जो है वो थोड़ा सा मुझे सुकून मिले जो अभी मिल रहा है। मैं इतने दिन से शौक में था, मैं रोया नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, इतने दिन से मैं रोया नहीं था, आज मेरे जो ये रोना आया ना आंसू निकले, मेरी शौक ख़त्म हुई, अभी मुझे थोड़ी खुशी महसूस हो रही है आपसे बात करने के बाद। अच्छा चले, आपका नाम क्या है बाय द वे? मेरा नाम तो उस्मा है। उस्मा जी आपसे एक बात पूछूं? जितनी आपकी आवाज़ खूबसूरत है आप उतनी खूबसूरत हैं। अब ये तो मैं अपने मुंह से तो तारीफ नहीं कर सकती। नहीं आपको पब्लिक क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं? पब्लिक क्या कहती है, मैं कोई पब्लिक से थोड़ी पूछती हूं। पब्लिक से मुराद लोग, लोग आवाम, आपको अगर कोई मिलता है, कोई दोस्त है, कोई। आप मुझे एक बात बताएं, आपको मेरी मुझसे बात करने से सुकून मिला है? हाँ जी। खुशी मिली है? नहीं वैसे ही पूछ रहा हूं या नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूं, वैसे ही। आप तो देख नहीं सकते ना? नहीं। तो मैं खूबसूरत ना भी हूं तो? लेकिन आपको लगता है कि आप खूबसूरत हो? नहीं नहीं लगता। चले मैं, मेरे को मसला नहीं, आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, मैं आवाज़ से गुजारा कर लिया करूँगा। अच्छा आपसे एक और बात पूछूँ, एक और बात पूछूँ, आप आपका बॉयफ्रेंड है? तो मेरा पर्सनल को नहीं, वैसे ही वैसी जान क्यों पर्सनल बातें पूछ। चले मैं सॉरी सॉरी आपसे सिंपल करके पूछता हूँ, आप सिंगल हैं या नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, ठीक है मुझे आपके साथ हमदर्दी है,
थैंक यू। ये तो नहीं ना कि आप बस इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब दे दे फिर कुछ नहीं पूछूंगा। क्या करना है, मैं सिंगल हूँ, प्लीज 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 बता दे, प्लीज 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 बस इतना बताएं, सिंगल है या नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ, प्लीज आप इस तरह बताएं हैं। जी जी मैं सिंगल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र या मालिक, या अल्लाह अल्लाह हाय अल्लाह, आज बड़े दिनों के बाद मुझे थोड़ी खुशी महसूस हो रही है। और नंबर लिख मेरे सिंगल होने से आपको क्यों खुशी होगी? नहीं वैसे ही वो अच्छे लोग जल्दी सिंगल वैसे हट जाते हैं, वो उनके रिलेशनशिप होता है या तो शादी हो जाती है, लेकिन खैर अच्छी बात है, अल्लाह करे आपको कोई अच्छा लड़का मिले ज़िंदगी में बहुत जल्दी। आप नंबर लिख लिया आपने प्लीज़? नहीं पड़ोसी का लिखे, ज़ाहिर है आप नहीं लिखेंगी ना उज़मा जी। आपको नंबर दे रही हूँ। हाँ जी आप, हाँ जी बहुत ज़्यादा फील करें कि जी नहीं नहीं मैं तंग नहीं करूँगा, मैं रोज़ मैसेज नहीं करूँगा, हफ्ते में एक बार कर लिया करूँगा, आधा घंटा मेरे से वॉइस नोट पे बात कर लिया कीजिए, क्योंकि सुनाई मैं लिख नहीं सकता ना तो वॉइस नोट पे करेंगे ना मेरे। सॉरी मैं भूल गई थी। आप कितने मिनट के वॉइस, आप ढाई मिनट वाले वॉइस नोट तो नहीं भेजती ना, मैं फिर 2x करके सुनता हूँ उनको। ढाई मिनट वाले आपको क्यों भेजूंगी? अच्छा छोटे छोटे भेजेंगी, छोटे छोटे भेज दिया करें। आपसे मैं कभी कभी आपका दिल कभी उदास हो? उदास तो मैं हमेशा हूँ, तो आप मुझे कॉल कर लें। मैं हमेशा उदास हूँ, मेरा नाम है उदास चंद। अच्छा तो फिर आप मुझे देख तो आप सकते नहीं, तो फिर आप वॉइस मैसेज कैसे करेंगे? वॉइस मैसेज मैं ऐसे करूँगा, मेरे जो मेरा नंबर कैसे नजर आएगा इसमें? मैं दूसरे से बोलूँगा ना, आप अपने नाम से सेव करें, मैं किसी को अपने घर पे बोल उसके सामने वॉइस मैसेज नहीं, मैं अपने घर पे किसी को बोल दूंगा ना कि उज़्मा जी का ज़रा नंबर निकाल दीजिए। अच्छा आप लिखें अपने नंबर पर, लिखें उज़्मा, उज़्मा ब्यूटीफुल गर्ल जी, उज़्मा ब्यूटीफुल गर्ल, इस नंबर से इस नाम से सेव कर लेना। ये क्या ब्यूटी नहीं, आवाज़ आपकी अच्छी है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप आवाज़ अच्छी है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मेरा मोबाइल है ना, आप मेरी खातिर कर लेना उज़्मा ब्यूटीफुल। तो फ्लैट कर रहे हैं ना? नहीं फ्लैट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ आप उज़्मा ब्यूटीफुल गर्ल के नाम से प्लीज़ ब्यूटीफुल क्यों लिखो? मैं कह रहा हूँ ना आप क्या अपनी तारीफ नहीं कर सकती? मैं लिख रहा हूँ, आप ऐसा समझे उज़्मा ब्यूटीफुल गर्ल के नाम से मैं लिख रहा हूँ, सेव करने के लिए, मैं आपका दिल रखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उज़्मा ब्यूटीफुल गर्ल के नाम से सेव कर लिया, पक्का ना? अंधे का फ़ायदा तो नहीं उठा रही? ऐसा ना हो आपने, ऐसा ना हो आपने 4-0 करके सेव कर दिया हो और पता ही ना चले। मेरी बात सुने। हाँ जी सुना है। आपके साथ कोई मजाक नहीं करी ना आप? पक्का आपने अपना ही नंबर सेव किया ना कि मैं आपका मजाक उड़ाऊँ या नहीं? इस तरह तो देखिए उज़्मा, आपको पता है ब्यूटीफुल गर्ल के साथ साथ आपका हार्ट भी बहुत ब्यूटीफुल है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हो, ये बात आपको पता है? ये किसी ने बताया आपको? जी वो तो मुझे पता है। हाँ जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, देखिए आप कोई इंसान ब्लाइंड होता है कुछ होता है, हम उसको वो हमारे लिए स्पेशल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और फिर आप हर्ट हुए में मतलब मैं जी बिल्कुल ऐसे। आपसे एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ? आप वैसे यहाँ क्यों बैठी हुई थी अकेले? मैं तो वैसे ही बस वैसे ही बैठी हुई थी, टाइम पास कर दी थी। मैंने आपका टाइम ज़ाया तो नहीं किया उज़्मा जी? नहीं आपने मेरा टाइम ज़ाया तो नहीं किया। आपको अच्छा लगा मुझसे बात करके? अच्छा तो अरे मुझे क्यों लगेगा अच्छा, आप तो बुरा लगा बुरा भी नहीं, बुरा नहीं लगा ना तो अच्छा ही लगा होगा। नंबर सेव कर लिया आपने? मैडम जी मेरा आपका नंबर, अपना मेरा मोबाइल, मोबाइल दे दें प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह ताला मैं आपसे रात को बात करूँगा, रात को ढाई बजे जी। मैं रात को दिन में मैं सोता हूँ, आप कितने बजे सोती हैं? मैं तो रात में जल्दी सो जाऊँगी। कितने बजे सोती है मैडम? ढाई बजे तक तो मैं मुझे तो मुझे यकीन करें मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है ढाई बजे में और आप कॉल। कौन है? कौन है? कौन है? आवाज़ कहाँ से आ रही है? मतलब फंसा लिया? एक सेकंड एक सेकंड। हाँ जी बोलो। ये ऐसे अंधा बन के ना तो छह लड़कियाँ फंसाई है। ये अंधा नहीं है? अभी आपको शर्म नहीं आती? आप कैसे जानते हैं? आवाज़ कहाँ से आ रही है? एक्टिंग देखो, एक्टिंग। आवाज़ ऑस्कर मिलना चाहिए इसको। आवाज़ कहाँ से आ रही है? मेरे सामने, मेरे सामने इस पार्क में, इधर बैठ जी। मेरे सामने इस पार्क में बाजी इसने आया, छह लड़कियां फंसाई, फिर उनको क्या बोला 2 महीने बाद मेरा ऑपरेशन हो, मेरी तो आंखें आ गई। झूठ बोल रहा है ये? इधर 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 ये रहा, झूठ बोल रहा है। आप इनको कैसे जानते? मेरे सामने करते ये हफ्ते में 6 दिन होते 7 लड़कियां फंसाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? उज़्मा जी उज़्मा जी मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा जी। बताइए आप अंधे बन के लोगों को, लड़कियों को फंसाते हैं? उज़्मा जी आपको इस पे यकीन है? मेरे पे यकीन है, मुझे इस पर यकीन है। क्यों? ये आपको पता है आप इस स्टिक का मजाक उड़ा रहे हैं। उज़्मा जी आप ये गलत बात कर रही हैं। हम दूसरे अंधे लोगों, आप मेरी बात सुन लें, बात तो सुन लें मेरी। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूँ। पता चला कि ये बेंच है। मैं आपको सबूत क्या बताऊँ? किसने आपको बोला होगा? आप अंधे बनते हैं। मेरा चश्मा, शर्म नहीं आती? मेरी बात सुनो। देखिए मेरी बात सुने, ये मेरा चश्मा गिर गया। मेरे मैसेज देखो, डियर कोमल, बिल्कुल
अंधे का मजाक उड़ा रहे हो, अंधे का चश्मा गिरा दिया तुम लोगों ने, आपने अंधे का चश्मा गिरा दिया। बस कर जा, कितना नाटक करेगा, कौन सा अंधे का मजाक उड़ाया मैंने, बस कर जा, बस करें, ओवर एक्टिंग मत करें, मुझे पता चल गया मैं अंधा हूँ, मैं सच में अंधा हूँ, अंधा है, घूम रहे थे, इसको क्या पता चला जी, मेरी बात सुन, आपको इसमें यकीन है, मेरे पे क्यों यकीन नहीं है, इसलिए क्योंकि मैंने आप पर यकीन किया, ये सामने सही बात करना, अंधा अब तो नहीं है, अंधे बनके आप मजाक उड़ाते हैं अंधे लोगों का, मैं बात करूं ना जी, अच्छा मेरी बात सुन, खोले आंखें, कौन से अंधे आप, उस्मा जी मेरी बात सुन, सिंपैथी हासिल करते हैं आप, मैं आपको एक बात लड़कियां फंसाने की, आप मेरे को पसंद आई तो मैंने झूठ बोला, मैं लड़कियां फंसा, नंबर डिलीट करो मेरा, निकालो उसका मोबाइल, अच्छा कर रहा हूं, नंबर डिलीट कर दिया, क्या मतलब मैं आपको पसंद आई, आप अंधे बनके, सुन तो ले नंबर डिलीट करवाइए, एक बात आपको बता, नंबर डिलीट कर, मैं कर रहा हूँ, वो कैमरा लगा है, मजाक कर रहे हैं, कोई अंधा नहीं है मेरे साथ है, ये प्रैंक कर रहे हैं, वो देखें कैमरा लगा हुआ है, प्रैंक कर रही, कर दे डिलीट, मजाक कर रहा हूँ मैं बात तो सुने मेरी आपसे, मैं मजाक कर रहा हूँ, हमने कैमरा लगाया हम प्रैंक्स करते हैं, अच्छा ओके, नाराज तो नहीं है, नहीं मैं नाराज नहीं, पक्का ठीक, हाथ तो आपने वैसे ही हिला दिया, परमिशन आपसे चाहिए, वीडियो यूज़ कर सकते हैं, ओके पक्का, अब हाथ हिला दे आखिरी बार,